तो ये जो JDK होता है ना, जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। थोड़ा सा मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले JDK के अंदर जावा सी आता है। जावा सी क्या है? तो जावा का कंपाइलर है, विच इज़ यूज टू कंपाइल अ जावा सोर्स कोड टू कन्वर्ट द इंटू बाइट कोड। जावा सी का काम क्या है? जावा सी का काम यह है कि जो सोर्स कोड उसको दिया जाएगा उसको कंपाइल्ड करना, और कंपाइल्ड करके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। और फिर ये जो जावा है ना, ये जावा इंटरप्रिटर है। ये क्या करता है, जो बाइट कोड उसको दिया जाता है उस बाइट कोड को JVM के अंदर रन करके उस कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मशीन कोड में ट्रांसफ़र करना। ओके, अगर आप C++ की हेडर फाइल जावा में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए अलग कंपोनेंट है जावा H। जावा H लिखो और आगे C++ की हेडर फाइल लिखो। तो अगर आप C++ की हेडर फाइल या C की हेडर फाइल्स जावा के अंदर यूज़ करना चाहते हो, देन यू कैन यूज जावा H। और अगर मान लीजिए आप जावा के ज़रिए HTML का कोड क्रिएट करना चाहते हो, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो जावा DOC, उसके लिए कोड है जावा DOC। और अगर आपको जावा का प्रोग्राम डिबग करना है तो उसके लिए है JDB। सो दीज ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ JDK। बट अभी फ़िलहाल हम ये दो, जावा सी और जावा पे ध्यान देंगे। एप्लेट व्यूअर में बाद में समझाऊंगा आपको, इनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करने वाले, बट ये उसका पार्ट है इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। ये जनरली एडवांस जावा के अंदर यूज़ होते हैं। तो तीन पार्ट इम्पॉर्टेंट है, एप्लेट व्यूअर, जावा सी एंड जावा। ये तीनों हम या इस सिलेबस में देखने वाले हैं। जावा सी जावा आपको पता है ऑलरेडी क्या काम कर रहे हैं। एप्लेट व्यूअर का क्या काम है, जैसे हम एप्लेट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसके अंदर मैं ये कंसेप्ट वहाँ पर कवर अप करूँगा। ठीक है, नाउ ये जो मैंने बताया उसका टेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम है कि किस तरीके से वो रन होता है। पहले तो हम एक टेक्स्ट एडिटर में जावा का सोर्स कोड लिखते हैं। जावा का सोर्स कोड अगर आप चाहे तो इमिजिएटली उसको HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। HTML में कन्वर्ट करने के लिए जावा DOC लगेगा। ओके, बट जनरली हम जावा सोर्स को जावा सी यानी कि जावा का कंपाइलर यूज़ करके जावा क्लास। अब ये जावा क्लास क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जो बाइट कोड फाइल बनती है ना, बाइट कोड फाइल, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास फाइल। तो वो डॉट क्लास फाइल यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। वो डॉट क्लास फाइल को अगर आप चाहे तो C++ के हेडर फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो जावा H का यूज़ करके। बट हम जावा क्लास को, मतलब बाइट कोड को, जावा इंटरप्रिटर के जरिए जावा के प्रोग्राम में, मतलब जावा मशीन लेवल के कोड में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली डायग्राम ऑफ JDK। और ये होता है जावा डेवलपमेंट किट। मतलब आपने जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल किया तो ये सारे फीचर्स आपके उसमें आते हैं। हम तीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जावा सी, जावा एंड एप्लेट व्यूअर। ओके, दैट्स इट फ्रॉम द JDK।